गुड मॉर्निंग गाइज, आज हमने इस वीडियो में 8 मार्च टू 14 मार्च के बीच में जो भी करेंट अफेयर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बने हैं उसको हमने ऐड किया है और करेंट अफेयर्स का यह सीरीज हम वीकली चला रहे हैं। अगर आपको मार्च के फर्स्ट वीक का करेंट अफेयर्स का वीडियो चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको यह करेंट अफेयर्स का सीरीज अच्छा लग रहा हो तो कमेंट और शेयर जरूर करें इस वीडियो के साथ ही साथ सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है 2020 में IOC के सत्र का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई। राइट आंसर क्या है, मुंबई। अगर हम बात करें IOC के फुल फॉर्म का तो IOC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अगर बात करें कि IOC का सत्र का आयोजन कितने सालों में किया जाता है तो यह हर साल किया जाता है। अगर बात करें 2020 का IOC का आयोजन कहाँ किया जाएगा तो यह जापान के टोक्यो में किया जाएगा जून मंथ में। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी मैगजीन ने दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किस भारतीय महिला को वर्ष 1947 महिला के रूप में नामित किया। तो हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी दोनों होगा, इंदिरा गांधी और अमृत कौर। बात करें इंदिरा गांधी को तो इंदिरा गांधी हमारे पूर्व PM रह चुकी है 1976 के दौर में। अगर बात करें अमृत कौर की तो अमृत कौर एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ यह पहली महिला आज़ाद भारत की कैबिनेट मंत्री रह चुकी है। अगर बात करें तो यह 10 साल तक स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रही हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट में भारत किस स्थान पे रहा। तो हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 71वें स्थान पे रहा। अगर बात करें कि इसमें जो फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 में लिस्ट में कितने कंट्रीज इसमें शामिल हैं तो इसमें 195 कंट्रीज शामिल हैं, जो कि पहले नंबर की बात करें तो पहला नंबर है फिनलैंड का, अगर दूसरे नंबर की बात करें तो नॉर्वे का है और तीसरे की बात करें तो स्वीडन का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वर्ल्ड मैराथन चैंपियनशिप 2020 को पूरा करने वाला पहले भारतीय कौन बन गए हैं। तो हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आदित्य राज। अगर बात करें आदित्य राज कहाँ के रहने वाले हैं तो आदित्य राज गुड़गांव के रहने वाले हैं, गुड़गांव हरियाणा के। अगर बात करें कि इन्होंने क्या चैलेंज को कंप्लीट किया है इस मैराथन में जो है 2020, इसमें क्या क्वालिफाइंग होता है तो यह इस चैंपियनशिप में 7 दिनों में 7 मैराथन को कंप्लीट करना होता है तभी इस चैंपियन का विजेता बनता है। अगर बात करें इस मैराथन में अगर भाग लेना हो तो इसके लिए क्या कंडीशन है तो इस मैराथन में भाग लेने के लिए 32 लाख रुपये की सिक्योरिटी फीस जमा करनी होती है। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 5th नंबर, हाल ही में किस राज्य में चाव चारकूट महोत्सव का शुरुआत किया गया। तो यहाँ हमारे पास चार ऑप्शन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए मिजोरम में। अगर बात करें मिजोरम की तो मिजोरम का कैपिटल क्या है, मिजोरम का कैपिटल है आइजोल। अगर यहाँ के CM की बात करें तो जोराम थंगा जी हैं यहाँ के। अगर गवर्नर की बात करें तो श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर हैं। बात करते हैं कि ये जो चाव चारकूट महोत्सव वह क्यों मनाया जाता है तो चाव चारकूट महोत्सव का मुख्यतः आयोजन झूम खेती तैयार होने के बाद ये पूर्वोत्तर राज्यों में मनाया जाता है, जो वहाँ के आदिवासी जनजातियाँ हैं उनके द्वारा यह महोत्सव मनाया जाता है। अगर हम बात करें झूम खेती की, झूम खेती क्या होता है तो झूम खेती एक ऐसी फसल है जो कि ज़्यादातर पूर्वोत्तर राज्यों में आदिवासियों जनजातियों के द्वारा किया जाता है। इस खेती में क्या है कि जैसे कि एक साल तक जंगलों को काटा और वहाँ पे खेती किया, आदिवासियों द्वारा खेती किया गया वहाँ पे, और एक साल बाद इसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है, फिर से वो क्या करते हैं जंगल को आगे काटते हैं, उसमें आग लगाते हैं और वहाँ पे खेती करते हैं, फिर अगले बार इसी कंडीशन को अप्लाई करते हैं और इसी तरह से आगे करते जाते हैं। इस तरह जंगलों को काट काट कर आग लगा कर वहाँ नई नई अपनी खेती को करते हैं। यानी इसका मतलब है
कि हर साल वो खेती के स्थान को बदलते रहते हैं और जंगलों को काट काट कर खेती करते रहते हैं। तो इस तरह की खेती को क्या कहते हैं, झूम खेती कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 6, पांचवें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीलंका। बिम्स्टेक का जो 2020 का आयोजन है वो श्रीलंका में किया जाएगा। अगर हम बात कर लें बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। अगर हम बात करें कि इस बिम्स्टेक में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो जो बंगाल के आसपास के क्षेत्रों के जो कंट्रीज हैं वो इसमें शामिल होते हैं। उनके नाम के नाम को देख लें तो इसमें बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड एवं भूटान इसमें शामिल है। अगर हम बात करें बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ पर इसकी हेडक्वार्टर है। अगर बात करें कि 2018 से 20 के बीच में बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसके पास था, तो इसका अध्यक्षता श्रीलंका के पास था। 2020 के बाद इसकी अध्यक्षता थाईलैंड को दे दी जाएगी। अगर यहाँ पे बात करें कि एशिया का सबसे ऊंचा टावर कहाँ पे स्थित है, एशिया का सबसे ऊंचा टावर कहाँ पे स्थित है, तो यह श्रीलंका में स्थित है। अगर नाम बात इसकी बात करें कि सबसे ऊंचे टावर का नाम क्या है, तो सबसे ऊंचे टावर का नाम है लोटस और यह 350 मीटर ऊंचाई का है, जो कि एशिया का सबसे ऊंचा टावर है। यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सिर्फ 5000 एनजीओ की सूची में कौन सा एनजीओ शीर्ष स्थान पर रहा। तो यहाँ हमारे पास चार ऑप्शन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, BRAC। BRAC जो है 500 एनजीओ की सूची में प्रथम स्थान पर रहा है। तो बात करें BRAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग रिसोर्स अक्रॉस कम्युनिटीज। अगर बात करें कि यह एनजीओ कहाँ स्थित है, तो यह बांग्लादेश में एनजीओ बनाया गया है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई है, 1972 में यह एनजीओ बनाया गया है। तो यह किस पर्पज़ से बनाया गया है कि यह शरणार्थियों की सहायता करने के पर्पज़ से एनजीओ बनाया गया है, BRAC। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया। तो हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। अगर हम बात करें इसकी थीम की, तो इसकी थीम है IM जनरेशन एंड इक्वलिटी रियलाइजिंग वोमेंस राइट्स, इसकी थीम रही है। अगर बात करें कि अब तक के कौन कौन से दिवस मनाए गए, तो कुछ दिवसों के रूप में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि 1 मार्च को क्या मनाया गया, शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। अगर बात कर ले 3 मार्च को क्या मनाया गया, तो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया। 4 मार्च को विश्व सुरक्षा दिवस, 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट डेज हैं अब तक के, और इसे आप याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों को प्रस्तावित एकीकरण के बाद भारत में सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों की कुल संख्या कितनी रह जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन में है कि 10 सार्वजनिक बैंक के क्षेत्र जो अभी हो रहे हैं, सार्वजनिक बैंक जो मर्ज हो रहा है, वो 10 बैंकों का मर्ज हो जाएगा, उसके बाद भारत में सार्वजनिक बैंकों को की संख्या कितनी हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12। यानी 10 बैंकों के मर्ज होने के बाद हमारे पास सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 12 रह जाएंगे। तो यह कब से लागू हो जाएंगे, या 10 बैंकों का मर्ज कब से हो जाएगा, तो हमारे वित्त वर्ष जो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, इसमें क्या हो जाएगा, 10 बैंकों को मर्ज करके 4 बैंकों में कर दिया जाएगा। और अगर इन 4 बैंकों की हम बात करें, कौन कौन से बैंक मर्ज हो रहे हैं एक दूसरे में, तो पहली बैंक की बात करते हैं, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ पंजाब, ये किस में मर्ज हो जाएंगे, ये पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो जाएंगे। अगर हम दूसरे की बात करें, अगले बैंक की, तो सिंडिकेट बैंक प्लस कैनरा बैंक, यह मर्ज होकर एक हो जाएंगे। अगर हम अगले की बात करें, तो आंध्रा बैंक
कॉरपोरेशन बैंक और यूनियन बैंक, ये तीनों मिलकर एक बैंक बन जाएंगे। अगर हम बात करें अगले की, तो इलाहाबाद बैंक प्लस इंडियन बैंक, ये इलाहाबाद बैंक मर्ज होकर इंडियन बैंक में हो जाएगा और ये दोनों मिलकर एक हो जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास सार्वजनिक बैंक जो सरकारी बैंक हैं वो 12 बच जाएंगे। अगर बात करें 1 अप्रैल 2017 से पहले हमारे पास सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कितने थे, तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 27 बैंक थे, और अब कितने मात्र बच जाएंगे अगर मर्ज होने के बाद 1 अप्रैल के बाद, मात्र 12 रह जाएंगे। तो यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वर्ष 2020 के लिए पिल्टिजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो यहाँ हमारे पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी ए और बी दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। सैली मैक नामरा और यावर्तो राफेल, ये दोनों कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये आयरलैंड से रहने वाले हैं, ये आयरलैंड के हैं। इन्हीं दोनों को 2020 के पिल्टिजर पुरस्कार दिया गया है। अगर बात करें पिल्टिजर पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये वस्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है और वस्तुकला क्षेत्र का यह सर्वोच्च सम्मान है, और इसे कला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। पिल्टिजर पुरस्कार को कला क्षेत्र के, वस्तुकला क्षेत्र के नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। यहीं पर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में हुए महिला T20 विश्व कप 2020 का किताब किसने जीता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी ऑस्ट्रेलिया। 2020 महिला विश्व कप वोमेन वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलियन जीता है। अगर बात करें इसे किसे हरा कर जीता है, तो यह भारत को हरा कर जीता है। ऑस्ट्रेलिया के यह मेलबर्न में आयोजित किया गया। अगर बात करें हम कि अगला T20 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो अगला ये ICC T20 महिला विश्व कप ये साउथ अफ्रीका में किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 12वां, हाल ही में 19वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी यानी मैसूर में 19वीं अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। अगर बात करें हम कि यह कब से कब तक किया जाएगा, तो यह 26 मार्च से 28 मार्च के बीच में किया जाएगा। अगर बात करें हम कि अभी हाल ही में पैरा ओलंपिक ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष के रूप में किसे अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था, तो यह दीपा मलिक को बनाया गया था। और बात करें दीपा मलिक को अभी 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चौथे टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट अवार्ड में स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। तो हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी यानी पीवी सिद्धू को टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट अवार्ड में पर्सन ऑफ द ईयर इन्हें चुना गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला उप निदेशक निरीक्षक DIG कौन बनी। तो हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नूपुर कुलश्रेष्ठ। नूपुर कुलश्रेष्ठ को तटरक्षक बल की पहली उप महानिरीक्षक यानी DIG बनाई गई है। अगर बात करें कि भारतीय तटरक्षक बल का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यह न्यू दिल्ली में है। अगर बात करें इसके महानिदेशक कौन है, तो इसके महानिदेशक के नटराजन हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिजनेस लाइम्स चेंज मेकर अवार्ड 2020 किस व्यक्ति को चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूति चंद। अगर बात करें दूति चंद कहाँ से हैं, तो दूति चंद उड़ीसा से आती हैं और इन्हें लाइम चेंज मेकर अवार्ड 2020 से इसे सम्मानित किया गया। अगर बात करें इंस्टीट्यूट में कि इंस्टीट्यूट में यह चेंज मेकर अवार्ड 2020 किस इंस्टीट्यूट को दिया गया है, तो इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में इसरो को दिया गया है और इसरो के यह मंगलयान के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार किनके द्वारा प्रदान किया गया है, तो हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा यह पुरस्कार प्राप्त दिया गया है। यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है। तो हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए V. प्रवीण राव। इन्हें
एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2020 में सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार कब के लिए दिया गया है तो 2017-18 के लिए दिया गया है। अगर बात करें भी प्रवीण राव की तो यह तेलंगाना विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हैं जिन्हें सातवां एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर बात करें यहीं पे हम सी की पायेंग जाधव, तो पायेंग जाधव को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और यह क्या है, यह जंगलों को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि विलुप्त प्राणी हो रहे हैं उनके लिए यह जंगलों का निर्माण, आर्टिफिशियल यानी मानव निर्मित जंगल का निर्माण करते हैं। और इनको स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी सम्मान 2020 से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 17वां, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में एशिया के धनी व्यक्ति किसे बताया गया है। ब्लूमबर्ग जो इंडेक्स है उन्होंने एशिया के धनी व्यक्ति किसको बताया है, तो हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा बी, जैक मा को। अगर बात करें जैक मा तो यह क्या है, यह अलीबाबा जो एक चाइनीज कंपनी है, चाइना की कंपनी है, उसके यह फाउंडर है। और इन्हें मुकेश अंबानी को इन्होंने पीछे छोड़कर, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर यह पहले व्यक्ति एशिया के बिलियनियर बन गए हैं। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है, तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा 5.3%। मूडीज ने 5.3% रहने का अनुमान लगाया है। इससे पहले उसने कितना रहने का अनुमान लगाया था, तो इससे पहले उसने 4.5% रहने का अनुमान लगाया है, जो कि इसमें 0.1% की गिरावट दिखाई है। अगर बात करें कुछ और वित्त वर्ष के लिए जो जीडीपी ग्रोथ अपना दिखाते हैं, जारी करते हैं, उनके लिए बात करें तो ओईसी इसके अनुसार 2021 के लिए 5.1% इसमें जीडीपी ग्रोथ रेट रहने का अनुमान है। अगर फिच इंडिया की बात करें तो 2019-20 के लिए इसने 4.9% रहने का अनुमान लगाया है। अगर ईएस इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें 2020-21 के लिए 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में फगली महोत्सव का आयोजन किया गया, तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी हिमाचल प्रदेश में फगली महोत्सव का आयोजन किया गया। अगर बात करें हम कि 2020 में अब तक के कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महोत्सव हो चुके हैं, तो कुछ इम्पॉर्टेंट महोत्सव जो हुए हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो बात करें कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा महोत्सव मनाया गया, तो वहाँ पे लॉसर फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। अगले बात करें कि केरल में अभी हाल ही में क्या कौन सी महोत्सव मनाई गई, तो वहाँ वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव मनाया जाएगा, अभी मनाया नहीं गया है, या मई महीने में मनाया जाएगा। अगर बात करें मिजोरम में, तो मिजोरम में अभी हाल ही में चापचार उत्सव का आयोजित किया गया। बात करें एमपी में, तो अभी हाल ही में, अभी एक सप्ताह भी नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे नमस्ते ओरछा महोत्सव का भी आयोजन किया गया। अगर बात करें उत्तराखंड में कौन सा महोत्सव अभी हाल ही में आयोजित किया गया, तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय एक महोत्सव मनाया गया, जो कि 7 दिनों तक चला, वहाँ से 1 से 7 मार्च तक। यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने देश में पहली बार कोरोना वायरस कोविड-19 को महामारी घोषित किया है, तो हमारे पास चार ऑप्शन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हरियाणा राज्य। हरियाणा क्या है, हरियाणा कोविड-19 को महामारी के रूप में अपने राज्य में घोषित कर दिया है। अगर बात करें हम कि कौन सी संस्था इसे पूरे वर्ल्ड में महामारी के रूप में घोषित किया है, तो WHO के द्वारा कोविड-19 को महामारी के रूप में घोषित कर दिया गया। अगर बात करें हम कि कोविड-19 के चलते कौन सा राज्य जो है अपने राज्य को आपातकालीन घोषित किया है, तो वह राज्य केरल है। अगर बात करें हम हरियाणा की सीएम की, तो यहाँ हरियाणा की सीएम है मनोहर लाल खट्टर। अगर गवर्नर की बात करें तो यहाँ सत्यदेव नारायण है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में
जारी देश में सोलर रूफ टावर स्थापित करने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात जो है सोलर रूफ टावर स्थापित करने के मामले में फर्स्ट स्थान पे है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक यह वीडियो पहुँच जाए। और जो देखना चाहते हैं, जिसको अच्छा लगता है, वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो फीडबैक हमें ज़रूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।